कैसे हैं आप सब। तो फाइनली मैं इस बार एक और प्रोडक्ट लाया हूं जो कि है एमआई का ईयरडॉट ट्रू वायरलेस ईयरबड। इससे पहले मैंने एक और रिव्यू दिया था जो कि ईयरबड था बाय गीक कंपनी बेस्ट सॉल्यूशन का, बट अभी राइट नाउ मैंने एक और परचेज किया हूं जो कि है एमआई का ईयरडॉट। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको ये लेना वर्थ है कि नहीं और इसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। सो लेट्स सी, बिना टाइम गवाए आप देख लेते इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो दोस्तों, ये है एमआई का एयरडॉट जो कि मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाया हूँ। मुझे तकरीबन आने में कुछ ये 20 से 25 दिन लग गए। सो आप अगर अली एक्सप्रेस से मंगा रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड डिलीवरी लीजिए जो कि फ्री रहती है और कुछ आपको 10 दिन के अंदर आपको पहुँचा देगा। तो मुझे भी एटलीस्ट ये 10 दिन लगा, जबकि मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे काफ़ी टाइम में पहुँचेगा। तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या मिलता है। तो कुछ इस तरह से आपको पैकिंग मिलती है काफ़ी अच्छी। सो ये है गाइस एमआई का एयरडॉट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है Redmi Airdots। हाँ, इसमें दो चीज़ें आती हैं, कहीं कहीं पे MI Airdots भी लिखाएगा आपको और कहीं पे Redmi। सो आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही हैं, बस दोनों के नाम अलग अलग हो गए हैं। और ये पूरा चाइनीज़ वेरिएंट है क्योंकि मैंने इसे चाइना से मंगाया हूँ गाइस। ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है फिलहाल, चाइना में ही लॉन्च हुआ है। और ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशन है जिनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा, सब वैसे चाइनीज़ में ही है। तो लेट्स सी, खोल के देख लेते हैं हम इसमें मैं अंदर क्या मिलता है। तो जैसे आप इसे खोलते हैं तो आपको इस तरह से कुछ पैकिंग मिलती है जिसमें ये आपके ट्रू ईयरबड्स हैं और साथ में कुछ आपको एक्स्ट्रा कान के सॉफ्ट ईयरबड्स मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मैंने इसमें विदाउट चार्जर और USB के मंगाया हूँ, तो मुझे सिर्फ इतनी चीज़ें मिली हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं हमारी मेन चीज़ के बारे में। सो लुक गाइस, ये है इसकी पैकेजिंग, जो इसे खोल लेते हैं लुक। सो जो मेरा ओपिनियन है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग गाइस की, इसका जो पैकेजिंग काफ़ी अच्छा था और इसका जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ये पैक आप देख सकते हैं इतना छोटा सा बॉक्स है और काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा मुझे और काफ़ी इजी टू यूज़ है। तो लेट्स सी, इसे खोलते हैं लुक। दिस इज़ अ मेन की कैसा दिखता है ये एमआई का ईयरबड्स, देन दिस इज़ अ केस। सो ओके, देख लेते हैं बाकी इसमें हमें और क्या क्या मिलता है और क्या क्या इसके फीचर रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे Redmi Airdots के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ इसके बारे में कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये काफ़ी सारी इंटरनेशनल साइट में आपको मिलेगा, जिसमें से मैं आपको रिकमेंड करूँगा बैंगूट है, गेयर बेस्ट, अली एक्सप्रेस। आप ये तीनों साइट में से कहीं से भी जाके ले सकते हैं आपको ईजिली और काफ़ी सस्ते मिल जाएगा। मुझे कुछ ये 1200 का मिला है, लेकिन गाइज इसका सेल में प्राइस कम से कम 800 भी होता है, तो एक अच्छी डील है। तो ये बात हो गई इससे आप कहाँ से परचेस करें। बात करते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की। सो ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और इसका जो मटेरियल भी है काफ़ी अच्छा और रफ एंड टफ है। साथ में इसका एक सिलिकॉन का कवर भी आता है, अगर आप वो ले लेंगे तो आई थिंक टूटने का दर थोड़ा कम हो जाता है। और इसकी चार्जिंग की बात करें गाइज, तो यहाँ पर एक चार्जिंग का स्लॉट दिया हुआ है लुक, ये चार्जिंग का स्लॉट है। तो यहाँ से आपको चार्जिंग करना है, तकरीबन 2-2.5 घंटा चार्जिंग करना पड़ता है। उसके बाद तो जैसे ही केस चार्ज हो जाता है तो साथ में आपके ईयरबड भी चार्ज होते हैं। और ये चार्ज होने के बाद पूरा केस तकरीबन आप एक बार ईयरबड में कुछ 2.5 से 3 घंटा कंटिन्यू सॉन्ग या मूवी देख सकते हैं। सो आई थिंक अगर एक बार ये फुल चार्ज होता है तो आप पूरा दिन इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरी बात करें इसका पावर कितना है, तो गाइस ये कुछ ये तकरीबन 400 या 350 MHz का इसके अंदर पूरा पावर है इसके अंदर। और जो इसके ईयरबड है इसके अंदर 40 वॉट्स की बैटरी है, 40 वॉट्स की। और इसका वेट भी काफ़ी हल्का है, और आप बता दूं आपको मैं इस ईयरबड का वेट से सिर्फ 4 ग्राम। तो अगर इसे आप आपके कानों में लगाते हैं तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आप काफ़ी कुछ हैवी चीज़ लेके यूज़ कर रहे हैं।
इसका जो वेट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इजी से हैंडल हो रहा है। अगर कुछ वॉकिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो आपका ये ईयरबड्स गिरने वाले नहीं हैं। तो काफ़ी ये चीज़ याद रखिए कि काफ़ी अच्छे हैं और इसका वेट काफ़ी कम है तो काफ़ी ईजी टू हैंडल हो जाता है इसे चलाना। और साथ में ही इसका बैटरी बैकअप के साथ में आपको मैं बता दूँ इसका जो साउंड क्वालिटी है गाइस, मैंने सुना मुझे नॉट से कि काफ़ी अच्छा लगा बट इस गुड, क्योंकि ये रेंज में ईयरबड्स लेना और नॉट ईजी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बेस एवोल्यूशन का किया था कंपेरिजन तो गाइस ऑब्वियसली वो कुछ 3,500 रुपये के प्राइस के थे, ये 1200 के, तो फ़र्क तो आपको मिलेगा थोड़ा बहुत बेस में। लेकिन हाँ मेरा रिकमेंडेड है अगर आपको 1000 के अंदर चाहिए तो ये बेस्ट डील है। इसका साउंड इतना भी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा साउंड है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे बॉस से या JBL से तो वो तो ऑब्वियसली पैसों का कहीं पर डिमांड होता है और उनमें FTX टेक्नोलॉजी भी दी जाती है जो कि इसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसके लिए इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और साथ में एक और चीज़ गाइस, ये IPX4 सर्टिफाई है। आपको बता दूँ क्या होता है ये IPX सर्टिफाई, मतलब ये वाटर प्रूफ वाटर रिसिस्टेंट माना जाता है। अगर बारिश वगैरह में भी सब यूज़ करते हैं और कुछ छिट्टियाँ पानी स्प्लैश हो जाता है तो इसको कुछ इतना इम्पेक्ट होने वाला नहीं, जिससे मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा है, ये वाटर प्रूफ ही समझ लीजिए आप। मैंने इसे एक बार ईयरबड को डाला भी था पानी के अंदर, देन ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई ईयरबड्स में। सो बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए ईयरबड्स को तो मैं काफ़ी अच्छा ही रेटिंग दूंगा, 10 में थे तकरीबन, इसको मैं 7 रेटिंग दूंगा क्योंकि इसका प्राइस क्वालिटी और ये काफ़ी सस्ते में मेन चीज़। तो अगर इसे चाहे तो आप खरीद सकते हैं AliExpress में और काफ़ी साइट में आपको सस्ता मिल जाएगा। और आप डरिए मत, लोग डरते हैं बाकी साइट से क्योंकि उन्हें पेमेंट पहले करने पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं। जो मैंने आपको 3 साइट के नाम बताइए जेन्युइन साइट है, आप इसमें जाके ले सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा रिगार्डिंग MI AirDots के। तो लोग काफ़ी सोचते हैं लेने से पहले कि लें कि नहीं, बाहर से आ रहा है कैसा रहेगा, तो आप दोस्तों बिना सोचे समझे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा है। मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया हूँ, साउंड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है कंपेयर टू दिस प्राइस, सो यू कैन बाय विदाउट एनी थिंकिंग। और आपको कुछ भी अगर डाउट है इसके बारे में तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक और खासियत बता दूँ, इसमें ब्लूटूथ 5 टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है जो कि आज के टाइम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तकरीबन आप 20 मीटर दूर भी अगर आप खड़े हैं आपके फ़ोन से ईयरबड लगा के तो आपको साउंड क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, आपको कंटिन्यू आप वॉइस सुन सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ 5 की, और आजकल सब कंपनी मोस्टली 5 दे रही है और इसमें कम प्राइस में मिलता है तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। तो मेरा आपको ओपिनियन है कि आप इसे बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके बैड रिव्यू या मैंने कहीं कहीं सुना हूँ कि इसमें पैरिंग में प्रॉब्लम आती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे चार्ज करने के बाद आपको बस यहाँ पे एक बटन प्रेस करना है कंटिन्यू 5 सेकंड तक, देन यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होगी और आपको आपका ब्लूटूथ मोबाइल से ऑन करना है, आपको AirDots का नाम दिखाएगा, आपको कनेक्ट कर लेना है और ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। और एक और खास चीज़, अगर आप इसे जैसे इंसर्ट करते हैं केस के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली अनपेयर हो जाता है, देन आप अगेन इसे निकालते हैं तो ये पेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ को आप ईयरबड में डालने साथ ही ये चार्जिंग करने लगता है तो इसकी भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ में एक और चीज़ की खास बता दूँ, ईयरबड लेना चाहते हैं तो आप इजीली बाय कर सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा इस प्राइस में ईयरबड है ही है। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं काफ़ी गैजेट के बारे में, पर मैं आपको बता दूं कि उनका ये रहता है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनका पेड प्रमोशन होता है, उन्हें कंपनी पेमेंट करती है सामने से कि आप हमारा प्रमोशन कीजिए, और ऑब्वियसली अगर कोई भी आपको पेमेंट कर रहा है तो आप उनका खराब रिव्यू तो दे नहीं सकते। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये इसलिए बनाता हूँ ताकि जो किसी को भी लेना हो तो उसको या कुछ हेल्प चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसका रिव्यू देख के ले सके कि हाँ ये जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं। सो यू कैन बाय, आप कुछ सोचिए नहीं कि आपको प्राइस का प्रॉब्लम होगा या कुछ आपको आने में दिक्कत होगी, आप इसे बाय कीजिए, इजीली आपको हैंडल हो जाएगा। और हो सके तो AliExpress से लीजिए, काफ़ी जेन्युइन साइट है, मैं मोस्टली मेरे प्रोडक्ट वहीं से मंगाता हूँ। तो ठीक है, जब तक के लिए टिल बाय बाय टाटा, मिलूंगा फिर किसी और प्रोडक्ट के साथ, जब तक के लिए सब्बा खैर, गुड नाइट।